हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलु। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्री मेकर। दोस्तों आज हम आपको एक सिंपल प्रोसेस में 90 डिग्री का मेजरमेंट देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम का टोटल काम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। देख सकते हैं ये सर्वर रूम में ये डाटा का लाइन जो है वो नीचे आने वाला है। इधर से उसका जो रियाज आएगा उधर से एंट्री करेगा। ओके, ऐसे ऊपर से एक्चुअली ये ड्रॉपिंग होगा। हम अभी दूसरा रूम कुछ इस तरह बनाने वाले हैं और उसमें आपको एक 90 डिग्री बेंड जो कुछ इस तरह की बेंड आपको बना के दिखाऊंगा। सिंपल प्रोसेस में कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सेट। ये तो बन गया है। एक्चुअली ये रूम में बनाने वाले हैं हम। ओके, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, ये क्लीन हो जाने के बाद ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली हमने इसका जो मेजरमेंट है ये वॉल से ये वॉल तक जितना मेजरमेंट होता है उससे हम 150 mm कम किया, क्योंकि इसमें टाइल से आएगा 600 का। ओके, तो इसमें 5 पीस टाइल चाहिएगा। तो ये एक्चुअली होता है 3 meter का वॉल है। ओके, 3 meter है तो इसमें 5 टाइल्स आने वाला है। एक टाइल्स जो होता है 600 mm का, कुछ इस तरह की टाइल्स बैठने वाला है। ये देख सकते हैं जिसका चौड़ा होता है। ओके, 600 mm। ये अभी पलटा नहीं गया, नहीं तो इसका ऊपर हिस्सा यही है। तो हमारा फ्रेंड्स 450 mm का ट्रे है तो 3 meter है। तो एक टाइल्स का दूरी होता है 600 mm, हमारा 450 mm का इसका सेंटर में आने वाला है। तो सेंटर से आने के लिए हमको 600 से 450 माइनस करेगा तो 150 बचता है। 150 को डिवाइड करेगा 2 में तो 75 mm करके आता है। तो हम ये वॉल से 75 mm छोड़ के हमारा जो ट्रे आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम बनाते हैं एक 90 डिग्री और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 1554 mm हुआ है। फ्रेंड्स हमारा जो रूम होता है वो 3000 mm का वाइड होता है, तो उसके लिए 150 mm माइनस करेगा तो 2850 होना चाहिए। और ये देख सकते हैं ये भी 2850 mm हो गया। तो हमको चाहिए एक्चुअली ये 2850, और ये वाला चाहिए 5850 mm, mm। तो 2850 mm से 2850 mm से हम माइनस करेंगे 1554
फाइव जाएगा तो नाइन, तो ये बच्चा सेवन, सेवन से ये फाइव जाएगा तो टू, ये बच्चा वन, 1296 हमको चाहिए अभी। फ्रेंड्स हमने आउटसाइड से मेजरमेंट लिया है, तो आउटसाइड से आउटसाइड 1850। तो फ्रेंड्स ये कर्नर बन गया, एक कर्नर बन गया, एक कर्नर बन गया, ये अभी हमको बनाना है। तो इधर देख सकते ये बन गया, वो बन गया, ये भी उसके लिए हो गया है। फ्रेंड्स हमने कपलर साइड का मेजरमेंट कर लिया है, ओके, यही का दिखा जाते ना मांगोड़ी, ये साइड का मेजरमेंट कर लिया है, अभी ये साइड से हमने होगा तो 1200, ये हो गया 90, और इधर से 6 mm हमको लेना है, तो वो साइड भी हम उठा लेगा 1290 भाई एल्युमिनियम डाइल ओके। ये हो गया इसका सेंटर, चलो जी। तो फ्रेंड्स हमने जो परपेंडिकुलर ट्रे को उल्टा करके रखा है, तो उल्टा करके ये एक्चुअली राइट साइड घूमने वाला है, और ये लेफ्ट साइड घूमेगा तो करेक्ट मेजरमेंट आएगा। तो हम इधर को पाकूगा पाकूगा ये ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इधर से इधर को रखेंगे 450 mm, ठीक है, और इधर को रखेंगे भी 450 mm, ठीक है, दुर्गुण। फोर फिफ्टी 900 mm बुले किसी जाना पड़ो नहीं, तू भावु से अंदर अंदर नहीं सही धरू जो एपटे क्या उठेल भाई ओके तो फ्रेंड्स ये हो गया कपलर का, चाहे तो होल कर सकते हैं। ये सेंटर का फ्रेंड्स, सेंटर का ये सीट उठा लेंगे, फिर इधर ले लेंगे, बुर्जा
क्या वैरियत है और कैसे कैसे कटिंग करना वो भी हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली ये पतला वाला मार्कर में करना चाहिए, अभी मोटा वाला मार्कर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा में जो पतला वाला मार्कर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कुछ गलती हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। ओके
से देख सकते हैं, हमने जो मेजरमेंट करके किया था ये 2800 है और ये 50 mm, 1-2 mm ऐसे ही ज़्यादा हो गया। ओके तो चलते हैं, अभी बारी आता है इसमें होल लगाने का, तो ये कॉर्नर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमने बाहर में इसका सेटिंग कर लिया है और इसको अभी इसका कोई देख लिया और ग्लास को उल्टा करके इसमें डाल देते हैं और इसका बहुत सारे डाटा का पॉइंट जो है इसमें मिनटों में मतलब आने वाला है और वो देख देख के थोड़ा लेग लगाना पड़ता है। लेग लगाएगा तो ये रूम में हम इसको बैठा देगा। बाहर बोलेगा तो आशा करते कि दोस्तों आपको ये 90 डिग्री बेंड अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, बेंड, अपसाइड और रेड्यूसर कुछ भी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं आपको। तो दूसरा वीडियो आने तक विदाई लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।